हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, आप सभी को हसपुरा टीसीपी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति में पार्ट 11 तक बता चुके हैं, आज पार्ट 12 बताने वाले हैं। पार्ट 12 में त्रिकोणमिति में सिद्ध करने से रिलेटेड प्रश्न बताया जा रहा है। जब भी त्रिकोणमिति का प्रश्न सिद्ध करना हो तो सबसे पहले दो तीन बात जरूर ध्यान दें, और ये वीडियो देखने से पहले आप पीछे का वीडियो जरूर देखें, तभी समझ में आने वाला है, अन्यथा कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ भी बेसिक होता है तो शुरुआती के दौर में बता दिया जाता है। तो पार्ट 12 देने से पहले पार्ट 1 से देखें, तभी समझ में आएगा। तो चलते हैं पार्ट 12 की तरफ। प्रश्न है, क्रॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्रॉस ए बराबर लाना है 2 सेक ए लाना। तो एलएचएस का टर्म है, यह आरएचएस का टर्म है। तो चलते हैं एलएचएस की तरफ। तो एलएचएस बराबर है क्रॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। मतलब इस टर्म से एक टर्म लाना है, तो बनाए कैसे? तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह टर्म किस रूप में है। तो देखें, यह टर्म साइन और कॉस में है। अब बता चुके थे कि यदि साइन कॉस में टर्म हो तो उसे कभी चेंज नहीं किया जाता है। चेंज करेंगे तो जब चेंज करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा? तो प्रोसेस कैलकुलेशन के तहत चलेंगे। तो देखिए, यहाँ एलसीएम का प्रोसेस हो रहा है तो एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए दो करना है, तब एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा? कॉस ए। इस तरह से हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद निचला टर्म होता भागा और शेष बचता उससे मल्टीपल होता है। तो 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो यह कैंसिल होगा, क्या बचेगा? और कॉस में कॉस से मल्टीपल होगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यह टर्म बचेगा। और इस टर्म को इस टर्म में मल्टीपल करेंगे तो दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए के पूरा पर होल स्क्वायर। कहीं दोनों सेम है तो पूरा होल स्क्वायर होगा, बता चुके हैं 2 × 2 होता है 2 के स्क्वायर। तो समझो कि 2 है, ये भी क्या चीज है, तो 2 और 2 मिल क्या हो रहा है 2 के स्क्वायर हो रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस में तो चेंज नहीं आता है और कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ तो कहें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर टर्म है। अब बता चुके पीछे वीडियो में कि यदि आरएचएस में नंबर लाना रहता है तो वहां अलजेब्रा सूत्र लग सकता है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम साइन बार लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर इसमें तो होना है, तो लिखे इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह लिखेगा। तो जब ऐसा रूप में लिखेगा तो यही हमको बताओ कि साइन स्क्वायर ए है, आगे भी लिखा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे इसलिए लिख रहा है कि आगे जाने फॉर्मूला सेट होने वाला है। तो इस रूप को लिख सकते हैं ए प्लस बी टॉल स्क्वायर को ए स्क्वायर साइन को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 के स्क्वायर पर कितना आने वाला है 1 ही आने वाला, 1 लिखते हैं प्लस 2ab, तो 2 ए का मान 1 और बी का मान साइन बटा, नीचे बता क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसके आगे चल रहा है क्रॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, तो क्रॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 बचा हुआ है प्लस 2 एक साइन में मल्टीपल हो रहा तो 2 साइन ए, और नीचे क्या बचा हुआ है
वन प्लस, तो इतना प्रोसेस है देखो, तो बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर नहीं हो रहा, वन प्लस वन बचा हुआ है प्लस दो एक साइन में गुना हो रहा टू साइन ए बटा नीचे क्या बचा हुआ है वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और इसके आगे चल रहा है तो ध्यान दो, एक और एक मिलेगा तो दो बचेगा टू साइन ए बटा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इतना हो रहा बराबर। ध्यान दो इन दोनों टर्म में कैसे कॉमन निकल रहा है, दो कॉमन निकलेगा तो दो बाहर निकाल दो, तो वन प्लस साइन ए बटा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो काट जाएगा, तो बचेगा दो ऊपर में और नीचे में क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, तो दो ऊपर जस में दस और पता है कि वन बाय कॉस मेरे क्या फॉर्मूला होता है सेक ए लगा था, तो इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया। तो लंबा थोड़ा देखने में है बल्कि बहुत आसान है कि पहले एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद ए प्लस बी रॉस का तोड़े, ए प्लस बी रॉस तोड़ने के बाद या वन सूत्र बैठाए उसके बाद कैलकुलेशन के तहत आगे हम चले। तो अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है कि कॉस ए के माइनस साइन ए sec a माइनस cos a बराबर वन बाय टेन ए प्लस cot a, और यह क्वेश्चन इन साल सेकंड सीरीज में द्विरुद्धीय प्रश्न में पांच नंबर पे पूछा हुआ है, बहुत आसान है कि सिर्फ देखने में लंबा है बल्कि बनाने में बहुत आसान है। तो चलते हैं एलएचएस तरफ, एलएचएस है cos a माइनस sin a इंटू सेके माइनस कॉस ए, मतलब एलएचएस का टर्म है, तो इसको आज कैसे बनाएं, तो बताया कि यदि साइन क्रॉस में है तो नो चेंज और साइन क्रॉस में नहीं है तो चेंज करना है, तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं वन बाय साइन माइनस क्या बचेगा साइन, साइन को चेंज नहीं करना है, सेक लिख सकते हैं वन बाय कॉस माइनस कॉस को चेंज करेगी छोड़ दे कॉस पे जैसे है वो ही छोड़ देते हैं बराबर। अब इसके बाद ध्यान दो एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम करेंगे कितना एलसीएम लेंगे साइन, साइन ए से साइन ए खत्म तो वन बचे, और साइन ए में साइन ए से मल्टीपल हो रहा तो साइन स्क्वायर ए बचे, नीचे वन था और वन में भाग दिया साइन से साइन बचा और साइन में साइन से मल्टीपल हुआ तो साइन स्क्वायर ए हो गया। क्या बताओ क्या एलसीएम ले कॉस एलसीएम, कॉस से कॉस कैंसिल तो वन बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है और वन में कॉस से मल्टीपल करेंगे कॉस ए और कॉस में कॉस से गुना हो रहा है कॉस स्क्वायर ए, यहां तक पहुंचेगा ध्यान देना वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए बटा साइन गुना वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो रहा है साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या है कॉस, ध्यान दो जब इसमें गुना है तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से और ऊपर नीचे कैंसिल भी होता है, साइन यहाँ एक साइन यहाँ तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस यहाँ एक कॉस यहाँ दो तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो बताओ क्या बचेगा कॉस ए गुना साइन, तो देखे कि एल एच एस बनाए तो इतना आया बल्कि आर एच एस के बराबर नहीं आया, तो बता चुके हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में एल एच एस ना के आर एच एस भी आ सकता है, तो पहले इतना आसानी सब ले आर एच एस चलते हैं, तो एल एच एस चले तो आर एच एस बराबर नहीं मिला, तो चलते हैं आर एच एस से।
तो आर एच जैसा है वन बाय टेन ए प्लस कॉस इसे बना रहा है, तो चलते हैं वन बाय टेन ए तो रो तो साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस के तोड़ेंगे कॉस ए बटा साइन इतना हो रहा है। अब इसका आगे बढ़ना है तो वन पे काम तो कुछ नहीं है तो वन लेते हैं बाय पता इसमें क्या हो रहा है एलसीएम तो एलसीएम डालते हैं तो कॉस ए इंटू साइन एलसीएम ले लिए और एलसीएम कॉस ए इंटू जब साइन एलसीएम लिए तो कॉस से कॉस कैंसिल तो बचेगा साइन और साइन में साइन से मल्टीपल हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल तो बचेगा कॉस और कॉस में कॉस से मल्टीपल हो रहा है तो कॉस स्क्वायर ए बराबर। अब दे रहे हैं एक टर्म दो टर्म तीन टर्म और जब तीन टर्म है तो बताए थे पीछे क्लास में कि मेन पद के ऊपर भी दो लाइन होना चाहिए पद और नीचे भी दो लाइन होना चाहिए मतलब दो पद बताओ नीचे तो दो पद है ऊपर तो पद है तो नहीं है तो बताओ इसके नीचे कितना छिपा हुआ है तो चार पद बन गया एक दो तीन और जब चार पद बनता है तो बता चुके हैं फिर ऊपर का पद जैसे दस और भागा के चिंगुना निचल का पद ऊपर और बड़ा पद नीचे तो बता कॉस ए इंटू साइन नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए कहाँ जाने वाला है देखो इस तरह लिख सकते हैं वन बटा वन इसको वन बटा वन लिख सकते हैं ना तो वन बटा वन गुना भागा के चिन्ह गुना कॉस ए इंटू साइन नीचे है तो ऊपर जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ऊपर है कहाँ का नीचे है या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए देखो इसमें ही मल्टीपल करेंगे क्रॉस ए इंटू साइन और बटा वन गुणे साइन स्क्वायर ए प्लस क्रॉस स्क्वायर मिल क्या होता है फॉर्मूला जानता कितना होता है वन तो बताइए वन का कोई काम है तो बच गया क्रॉस ए इंटू साइन एलएचएस में इतना ही आया था अब आर एच एस में कितना ही आया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों पद आपस में रची है तो एल एच एस बराबर आर एच एस तो ये क्वेश्चन इन सर के लिए इम्पोर्टेंट था पूछ दिया था बहुत आसान था पांच मिनट को ज्यादा कोई भाई नहीं था तो वीडियो का आगे पीछे करके जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें ताकि मैं वीडियो डाले तो आपके पास अवश्य पहुंच सके थैंक यू।